तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि यार एकदम मस्त होंगे। तो गाइज कुछ दिनों के अंदर हमारी गेम के अंदर एक न्यू अपडेट आने वाला है। अगर न्यू अपडेट आएगा तो उससे गेम के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो वो कौन कौन से चेंजेस रहने वाले हैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही ओपी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जो हमारा पहला अपडेट है वो है कैरेक्टर को लेके। आप इस कैरेक्टर को अलोक 2.0 भी बोल सकते हो। इसके ऊपर हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड अपडेट है ट्रीटमेंट स्नाइपर। आपने ट्रीटमेंट गन के बारे में सुना होगा, बट ये स्नाइपर है, थोड़ा अलग तरीके से काम करती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड अपडेट है वो है ड्रॉप ऑल ड्रॉप पार्ट। ठीक है, ये एक गेम के अंदर न्यू ऑप्शन आया है, काफी बढ़िया, एकदम बेहतरीन है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ अपडेट है वो है गाइस वेस्ट हेलमेट एंड बैकपैक, मतलब कि उसके कुछ इक्विपमेंट आए हैं तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। एंड इन सब के बाद जो हमारा फिफ्थ अपडेट है वो है वेंडिंग मशीन अपडेट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम इन अपडेट के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। जो हमारा कैरेक्टर है उसकी एबिलिटी है रिकवर्स 25 HP आफ्टर सर्वाइविंग अ कॉम्बैट, मतलब अगर ये 6 लेवल का होता तो यहाँ पर 30 दिखाता, अभी ये 5 लेवल का है तो 25 दिखा रहा है, आप 30 मान के चलो। ठीक है, तो ये 30 HP देता है जब गाइस आप एक कॉम्बैट को सर्वाइव कर लेते हो। मतलब कि अगर कोई एनिमी ने आपको एक गोली मार दी, ठीक है, आपको एक गोली मार दी या फिर उसने 25 HP डैमेज दे दिया आपको और आप कवर में छिप गए 2-3 सेकंड के लिए, आपने सर्वाइव कर लिया, तो गाइस आपको 25 यानी कि 30 HP मिलेगी अपने आप ही खुद से। ठीक है, आई होप कि गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझ लो। एंड गाइस अगर आपको जोन से डैमेज पड़ता है, ग्रेनेड से आप अपने आप को डैमेज देते हो या फिर ड्रम से अपने आप को डैमेज देते हो और उसके बाद आप 4-5 सेकंड तक सर्वाइव करते हो, तब भी इस कैरेक्टर की एबिलिटी काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी एबिलिटी ऑन हो गई थी एंड मेरे को यहाँ पर 30 HP मिल जाती, मतलब कि आपको अगर कोई भी डैमेज देगा, आपको कहीं से भी डैमेज पड़ता है एंड उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर लेते हो 4-5 सेकंड के लिए, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, तो गाइस इसको अपने आप हेल्थ मिलती है। सो गाइस जो हमारा सेकंड अपडेट है वो है ट्रीटमेंट स्नाइपर का। एक तरह से गाइस ये ट्रीटमेंट स्नाइपर है, मतलब स्नाइपर है एंड इससे आप अपने फ्रेंड को ट्रीट कर सकते हो, जैसे ट्रीटमेंट गन होती है ना, उसी तरह से गाइस आप अपने फ्रेंड को ट्रीट कर सकते हो एंड इससे आप एनिमी को भी मार सकते हो। एंड गाइस इस स्नाइपर की जो खास बात है, ये ना प्लाज्मा गन की तरह काम करती है, जैसे प्लाज्मा गन चार्ज होती है, अगर वो 100% हो जाएगी तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब कि वो ओवरहीटेड हो जाती है। सेम प्लाज्मा की तरह ये स्नाइपर भी काम करने वाली है, मतलब कि ये चार्ज होगी, इसके अंदर अनलिमिटेड गोलियां रहेंगी एंड इससे आप अपने फ्रेंड को हील कर पाओगे और एनिमी को मार पाओगे। और ये एक स्नाइपर है तो इसकी रेंज भी स्नाइपर की तरह बहुत ज्यादा होने वाली है, बट गाइस इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जब आप एनिमी को इस गन से मारोगे कुछ इस तरह से तो इसका जो स्कोप है, मतलब कि डिफॉल्ट एम जो होता है ना वो एनिमी के ऊपर नहीं जाएगा, और जब आप स्कोप करके मारोगे तब भी गाइस आपको पूरा प्रेसाइज करके, मतलब कि अपने स्कोप को एनिमी के ऊपर करके इस तरह से मारना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उस तरह से इसको यूज करते हो तो एनिमी के ऊपर बिल्कुल भी एम नहीं जाता। ठीक है, और गाइस अगर आप अपने फ्रेंड को जब हील करते हो, अगर उसकी पूरी हेल्थ है तब तो उसके ऊपर एम नहीं जाएगा, और अगर उसकी हेल्थ कम है, ठीक है, मतलब मान के चलो उसकी हेल्थ कम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और जब आप उसकी तरफ अपने एम को लेके जाओगे तो वो अपने आप ही ग्रीन हो जाएगा, और जब आप स्कोप खोलोगे तो वो डिफॉल्ट एम की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। और गाइस इसका जो डैमेज है, मतलब कि जब आप हील करोगे तो 80-60 इस तरह से पड़ने वाला है, मतलब कि आप एक बार में ही अपने फ्रेंड को बहुत ज्यादा हील कर सकते हो, तो काफी ओपी स्नाइपर है। आपको इसमें क्या अच्छा लगा एंड क्या बुरा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड अपडेट है बहुत ही बेहतरीन है, तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, ड्रॉप ऑल एंड ड्रॉप पार्ट। तो इनका क्या मतलब है? तो देखो, पहले पता है क्या होता था, अगर हमारे पास गोलियों का पैकेट है 30 गोली का, तो हमको अपने फ्रेंड को 30 गोली ही देनी पड़ती थी। अगर हमारे पास दो मेडिकिट इकट्ठी है तो हमको अपने फ्रेंड को दोनों की दोनों मेडिकिट देनी पड़ती थी मजबूरी में। बट गाइज अगर आप अभी मेडिकिट को ड्रॉप पार्ट के अंदर लेके जाते हो, तो यहां पर गाइज अगर आप अपने फ्रेंड को एक मेडिकिट देना चाहते हो तो यहां पर गाइज आप सिलेक्ट करके अपने फ्रेंड को एक मेडिकिट दे सकते हो। इसी तरह से अगर आप अपने फ्रेंड को एक गोली देना चाहते हो तो यहां पर गाइस आप एक गोली करके अपने फ्रेंड को एक गोली दे सकते हो, पूरा पैकेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये अपडेट यार मुझे तो बहुत ही पसंद आया, अगर आपको भी पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड तक भी इस अपडेट को पहुंचाओ, बहुत ही बढ़िया है गाइस। इसके बाद जो हमारा फोर्थ अपडेट था
था वो वेस्ट, हेलमेट एंड बैकपैक के लिए था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक वेस्ट का इक्विपमेंट है। अगर मैं इसको वेस्ट के अंदर लगा देता हूँ यहाँ पर, तो गाइज जो मेरी वेस्ट है उसकी HP इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से गाइज इसके बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, जैसे कुछ तो यार आपको एक्सप्लोजिव वेपन जैसे ग्रेनेड या फिर लॉन्चर हो गया, उनसे कम डैमेज पड़ेगा आपकी वेस्ट के ऊपर, आपको यहाँ पर उसको लगाना होगा। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने इसको यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ गया है कि ये आपकी वेस्ट की HP को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसी तरह से गाइज आपके हेलमेट के भी इक्विपमेंट आए हुए हैं, अगर आप उनको हेलमेट के अंदर लगा दोगे तो आपको हेड का डैमेज कम पड़ेगा। और बैकपैक का भी आया हुआ है बट मुझे वो नहीं मिला तो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो यार इस तरह से ये कुछ इक्विपमेंट आए हुए हैं जिनको आप अपने वेस्ट हेलमेट में लगा सकते हो और उनकी पावर को इनक्रीज कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ अपडेट है वो वेंडिंग मशीन का अपडेट है। आपको पहले वेंडिंग मशीन कहीं कहीं पे रखी मिलती थी जो कि अब भी मिलेगी, बट गाइस उसी के साथ वेंडिंग मशीन को ड्रॉप से भी गिराया जाएगा एंड उसके ऊपर इस तरह से पिंक लाइन आएगी एंड उसके अंदर से आप इस तरह से सामान खरीद सकते हो। तो गाइस ये थे हमारे टॉप 5 अपडेट। इनमें से आपको कौन सा अपडेट सबसे बढ़िया लगा? मुझे तो ड्रॉप ऑल एंड ड्रॉप पार्ट वाला अपडेट सबसे बढ़िया लगा है। आपको कौन सा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो, बाय बाय।